संक्रांति के दिन एक बच्चा अपने नाना के साथ पतंग खरीदने जाता है और वह पतंग तो खरीद लेता है, लेकिन वह पतंग उड़ाने के लिए नायलन का धागा लेता है और बच्चा घर आकर माँ को कॉल करता है। तब उसकी माँ ऑफिस में थी, लेकिन बच्चा अपने नाना के साथ पतंग उड़ाने का पूरा मजा लेता है। और शाम को उसकी माँ ऑफिस से घर आ रही थी, तब रास्ते पर नायलन के धागे से माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह से घायल होती है। तब माँ को अस्पताल लाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बुरी हालत के वजह से डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। तब तक माँ के घर वाले भी अस्पताल पहुँच जाते हैं, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद उसका खुद का बच्चा माँ का चेहरा देखकर डर जाता है। तब एक दिन माँ घर आती है, तब रात के समय बच्चा पानी पीने जाता है और वह अपनी माँ को देखकर फिर से डर जाता है। इस बात का माँ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन एक दिन नाना और बच्चे को ऊपर से कुछ फड़फड़ाने की आवाज आती है। तब वह ऊपर जाते हैं और उन्हें धागे में लटका हुआ एक घायल कबूतर दिखता है। तब दोनों इस कबूतर की मरम्मत करते हैं और कुछ ही दिनों में कबूतर ठीक हो जाता है। तब नाना इस कबूतर को उसके बच्चों के पास जाने के लिए आजाद करता है। तब बच्चे को भी कबूतर देखकर अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने माँ के पास जाकर उससे माफी मांगता है।